आज देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती है। इस दिन को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों द्वारा मनाया जाता है। इंदौर में भी माधवराव सिंधिया की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। बंगाली चौराहे पर मौजूद माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पर सुबह से ही भाजपा नेता जुटना शुरू हो गए थे। उसके बाद शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे ने माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनको याद किया। जो माल्यार्पण कर रहे हैं, अमर रहे माधवराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने माधवराव सिंधिया द्वारा देश और समाज के लिए किए गए बेहतर कामों को सबके सामने रखा। राजनीति को नया स्वरूप, नई दिशा और आपसी सद्भाव से राजनीतिक रूप से सभी दलों का सम्मान करते हुए देश के कई सारे ऐसे प्रमुख विभागों का नेतृत्व करने वाले मध्य प्रदेश के गौरव श्री माधवराव सिंधिया जी की आज जयंती है। उनका पूरा जीवन एक प्रेरणा पुंज है, विशेषकर नौजवानों के लिए, कि कैसे एक राज परिवार के होने के साथ साथ समाज के अंतिम आदमी की चिंता भी उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में की, विपक्ष का भी पूरा सम्मान किया। उनके जीवन से सदैव हम प्रेरणा लेते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उनकी जयंती पर मैं उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ये आशा करता हूं कि हम सब उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए इंदौर को, मध्य प्रदेश को और देश को नई दिशा देने के काम में सदैव उनकी प्रेरणा से जुटे रहेंगे। ये राजनीति के ऐसे प्रेरणा पुरुष जिन्होंने स्वयं के जीवन से, अपने राजनीतिक संदेश से और सदैव अच्छी बातों को आगे बढ़ाने वाले, राजनीतिक द्वेषता से दूर रहकर भारतीय राजनीति को नई दशा और दिशा देने का काम किया था, ऐसे माधवराव सिंधिया जी की जयंती है। मैं उनको इस अवसर पर प्रणाम करता हूं। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सम्माननीय श्री मोघे जी, पार्टी के अध्यक्ष गौरव रणदिवे जी और तमाम हमारे सभी पार्षद यहाँ आज उनकी जयंती पर उपस्थित हैं और यही हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन से हम प्रेरणा लेते रहें और भारत के लिए हमेशा काम करते रहें। माधवराव जी सिंधिया ने राजनीति के अंदर जिस प्रकार से कार्य किया और राजनीति के लिए जो आवश्यक बात है, जिसका मैंने उल्लेख किया कि उनमें बहुत संवेदनशीलता थी और इसलिए व्यक्ति की चिंता कैसे हो, सरकार का लाभ उसको कैसे मिले, उस बारे में अत्यंत संवेदनशील थे और उस बात की उन्होंने जीवन पर्यंत चिंता की। दूसरा, राजनीति के अंदर पारदर्शिता रहे और इसलिए आप देखें कि उनके पूरे राजनीतिक जीवन के अंदर किसी प्रकार का भी आरोप प्रत्यारोप किसी भी पक्ष विपक्ष ने लगाने का कभी साहस नहीं किया। तीसरी उनकी विशेषता थी कि जिस मंत्रालय में भी वो रहे, जिस विभाग में रहे, उस विभाग को कैसे अच्छे से अच्छा और विकासशील बनाया जा सकता है। रेलवे का, अनेक विभागों का ये उनका उदाहरण है और इसलिए आज भी ये संवेदनशीलता, विकास के प्रति अपनी रुचि और राजनीति के अंदर पारदर्शिता का जो आदर्श उन्होंने रखा है, वो सदा सर्वदा, आज वो हमारे बीच में भले ही ना हो, किंतु उनकी ये प्रेरणा हम लोगों के साथ रहेगी। और आज उनके जन्मदिन के ऊपर उनको प्रणाम करते हुए मैं यही कहूँगा कि ये प्रेरणा हमारे साथ बनी रहे। इस दौरान बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।